आबकारी विभाग की टीम ने बुधवार को रामगढ़ताल थाना क्षेत्र के इंद्रानगर में स्थित एक गौशाला में छापेमारी करके नकली शराब बनाने वालों लाखों रुपए की सामग्री बरामद किया है, जिसके संबंध में आबकारी निरीक्षक राकेश कुमार त्रिपाठी ने बताया कि मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि जनपद में नकली शराब बनाने में प्रयोग आने वाले रैपर ढक्कन बारकोड की भारी मात्रा में सप्लाई हो रही है, जिसकी निशानदेही पर कुछ दिन पहले बेतिहाता और पीपीगंज में नकली शराब बनाने की सामग्री बरामद किए गए थे और इनका एक समूह नकली शराब बनाने का काम करता है। उन्होंने बताया गिरोह के एक सदस्य ने मुखबिर की सूचना पर इंदिरानगर में गौशाला पर छापेमारी की गई, जहां से नकली शराब बनाने के ढक्कन रैपर बारकोड सहित स्प्रिट बरामद हुआ है और एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है, जिसकी पहचान गुड्डू निवासी इंदिरानगर के रूप में हुई है। उन्होंने कहा कि यह लोग गौशाला के नाम पर नकली शराब बनाने का कार्य कर रहे थे और गौशाला से 1,90,000 देशी शराब बनाने का ढक्कन और 9,999 विदेशी मदिरा बनाने का ढक्कन और 36,000 नकली शराब का लेवल और एवं 3,550 नकली QR कोड और एक एक्टिवा स्कूटी, 4 लीटर स्प्रिट और नौसादर को बरामद किया गया। उन्होंने यह भी कहा कि यह छापेमारी आगे भी जारी रहेगा। छापेमारी करने वाली टीम में आबकारी निरीक्षक राकेश कुमार त्रिपाठी, अरविंद कुमार मिश्रा, कृष्ण सिंह और आबकारी विभाग के सिपाही शामिल रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए आबकारी निरीक्षक राकेश कुमार त्रिपाठी ने कहा, हेलो, इधर आ जाओ, तुम इधर आ जाओ, पीछे आइए धनेश, लिए रहिएगा, लिए रहिएगा। ये लेवल है, ये नकली लेवल है, ये भी पीछे आएगा थोड़ा सा, हाँ बाबू कितना गिनती भी चलिए कितना है, अभी ढक्कन थोड़ी गिन पाएंगे, हमको पता है इसमें 20 रहता है ना, माल वो करवा रहे हैं तो आ जाइए ना, हो मुर्दी वाले गली में कैसे हिसाब करवा, अरे वो बाड़खंड है, बाड़खंड वाली गली में सिमंदर से, हाँ सिमंदर बता देंगे, चलो चलिए चलिए, अरे चलो सर, अरे यार माल पकड़े सर, किस तरह की कार्रवाई की गई,
हमारे उप आबकारी आयुक्त गोरखपुर प्रभार गोरखपुर श्री आर के सिन्हा सर को ये मुखबिर से सूचना मिली थी कि गोरखपुर जनपद में अवैध नकली शराब के ढक्कन QR कोड लेबल आदि की सप्लाई हो रही है। उन्हीं के नेतृत्व में हम लोगों ने इसके पहले बतियाहाता में और नकली शराब के ढक्कन और पीपी गन से जो है स्प्रिट भी बरामद किया था। ये पूरा का पूरा एक मतलब एक श्रृंखला है जो नकली पूरा एक गिरोह है जो नकली शराब का काम करता था। तो उनको मुखबिर से सूचना मिली थी कि जो है कोई व्यक्ति है जो यहाँ पे गोदाम बना के रखा है और जो है नकली शराब की सप्लाई कर रहा है। उन्होंने एक टीम गठित की। मैं आबकारी निरीक्षक सेक्टर 2 राकेश कुमार त्रिपाठी मेरा नाम है और आबकारी निरीक्षक सेक्टर 1 श्री अरविंद कुमार मिश्रा, आबकारी निरीक्षक खजनी श्री कृष्ण कुमार सिंह और आबकारी निरीक्षक सहजनवा श्री अरविंद सिंह की संयुक्त टीम और हमारे आबकारी सिपाहियों की एक टीम बना के उन्होंने हम लोग को लगाया। आज सुबह नौसड़ चौराहे पर हम लोगों ने व्यक्ति को पकड़ा जो स्कूटी के साथ संत कबीर नगर की तरफ जा रहा था। घनघटा उसका नाम गुड्डू है, उसने अपना नाम गुड्डू बताया और उसने बताया कि जो है वो घनघटा में किसी को ये माल की सप्लाई देने जा रहा था। फिर उसको हम लोगों ने पकड़ा, उसकी निशानदाही पे हम लोग जो है पहले तो एक इसका गोदाम है यहाँ कालिका होटल के पास, एक उसने घर दिखाया वहाँ पे हम लोगों ने चेकिंग किया तो वहाँ पे तो कुछ नहीं मिला। फिर जो है हमको ये गौशाला है ये इंदिरा नगर में यहाँ पे हम लोग आए, यहाँ पे बड़ी मात्रा में हम लोग को नकली शराब के ढक्कन, बंटी बबली ब्रांड के लेबल, QR कोड, विदेशी मदिरा के मैकडावल ब्रांड के और रॉयल स्टैग ब्रांड के नकली ढक्कन बरामद किए हैं। सर एक कुल कितने लागत का माल? ये कम से कम अगर ये माल तैयार हो जाता तो कम से कम 50 लाख का माल ये होता। गिरफ्तारी एक व्यक्ति की हुई है, उसका नाम गुड्डू बता रहा है, अभी पूरा उसका पता बताया नहीं है उसने, अभी हम लोग पूछताछ उससे कर रहे हैं और सारा डिटेल्स उससे हम लोग ले रहे हैं। उसने बताया है कि गुड्डू जो है एक भटहट निवासी है जगदीश गुप्ता और सोनू यादव और एक घोष कंपनी का निवासी है चंद्रशेखर, जिनके लिए ये काम करता है। ये तो मतलब सप्लायर है, मेन आदमी जो मेन व्यक्ति है वो जगदीश गुप्ता और सोनू यादव। इसके पहले हम लोग पीपीगंज में भी जो स्प्रिट पकड़े थे वो भी जगदीश गुप्ता और सोनू यादव की सप्लाई थी, वहाँ पे हम लोगों ने 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया था और जो है वहाँ पे केवल स्प्रिट बरामद हुआ था और 946 जो है देसी शराब के ढक्कन बरामद हुए थे। लेकिन यहाँ पे तो बड़ी स्प्रिट तो यहाँ बहुत थोड़ा बरामद हुआ है, लेकिन बड़ी मात्रा में यहाँ पे नकली शराब के ढक्कन, QR कोड, नकली लेबल आज बरामद हुआ है। हाँ नाम तो वहीं सबका आ रहा है, जो नाम हम लोग को वहाँ पे पता चला था जहाँ पे जैसे उन जो व्यक्तियों को हम लोगों ने पीपीगंज में गिरफ्तार किया था और जो है बतियाहाता में जो गिरफ्तार किया था, ये पूरा का पूरा गिरोह जिनके बताने के हिसाब से तो यही लग रहा है कि पूरा का पूरा एक ही गिरोह है। तो ये कुल कितने लागत का अभी माल होगा? ये कम से कम मतलब अगर ये माल बनके तैयार होता है जो हम लोग रिकवरी किए हैं तो कम से कम 50 लाख से ऊपर का माल ये बनता। अभी लगभग ढक्कन उक्कन मिला? ढक्कन तो अभी तो इसने जो बताया है करीब जो है 1.5 लाख से 1,40,000 के आसपास देसी शराब के ढक्कन हैं और 4 से 5 हज़ार जो है विदेशी मदिरा के ढक्कन हैं, नकली QR कोड है, रैपर है, लेबल है। अब चूँकि अभी हम लोग तुरंत पकड़े हैं तो अभी हम लोग काउंट भी नहीं कर पाए हैं कि एग्जैक्ट क्या है, लेकिन इसके बताने के हिसाब से हम आपको बता रहे हैं कि कम से कम 1,40,000 के आसपास देसी शराब के ढक्कन हैं और ये बता रहा था कि करीब 3,000 से ऊपर के विदेशी मदिरा के ढक्कन हैं और नकली QR कोड और लेबल के बारे में भी हम लोग काउंट कर लेंगे फिर आप लोग को सूचित कर देंगे। आगे भी कार्रवाई? हाँ बिल्कुल, निश्चित रूप से अवैध शराब के विरुद्ध हमारे जो है उप आबकारी आयुक्त महोदय के निर्देश पे उनका जो है उनके नेतृत्व में हम लोग लगातार अवैध शराब के विरुद्ध, चाहे वो कच्ची शराब हो चाहे वो अवैध नकली शराब हो, हम लोग लगातार कार्रवाई कर रहे हैं और दुकानों का नियमित जो है निरीक्षण भी हो रहा है। उप आबकारी आयुक्त महोदय के निर्देश पर उन्होंने टीम बना के दुकानों का निरीक्षण भी इसके पहले करवाया था कि हमारे दुकानों पर नकली शराब ना बिकने पाए किसी भी स्थिति में।